थ्री पाई बाई टू थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं थ्री पाई बाई टू माइनस जीरो, क्योंकि मैंने थ्री पाई बाई टू माइनस जीरो लिखा तो कोई चेंजेस आएगा क्या इसमें? थ्री पाई बाई टू में से मैंने जीरो को माइनस किया तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही का वही आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने माइनस जीरो कर दिया, थ्री पाई बाई टू में से जीरो गया तो थ्री पाई बाई टू आएगा। अब देखो यहां पे हमारा जो एंगल है, थोड़ी देर के लिए इस जीरो को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा। तो ये देखो यहां पर ये मिला मुझे साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, बाद में इसकी वैल्यू जीरो पुट हम कर देंगे, ठीक है? तो ये मिला मुझे थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा हमारे वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, ये देखो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा पीछे की तरफ आ गया, प्लस होता तो आगे चला जाता, माइनस आया तो इस तरफ आ गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव। तो भाई ये लो मैंने लिख दिया माइनस, सीधा सीधा मैंने लिख दिया माइनस, क्योंकि ये तो नेगेटिव आने वाला है क्योंकि साइन है और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। अब मैंने एक स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि वर्टिकल लाइन पे अगर कुछ भी एंगल आता है, प्लस हो या माइनस हो, तो वो चेंज हो जाता है किसमें? साइन कोस में और टेन कोट में और कोसेक सेक में। तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में। ये लो माइनस कोस थीटा, थीटा क्या कंसिडर किया था मैंने? जीरो, तो मैं थीटा की जगह यहां लिख दूंगा ये जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू होती है माइनस वन। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था साइन थ्री पाई बाई टू थीटा को किसमें तोड़ के, पाई प्लस पाई बाई टू में, तब भी आंसर यही आया था, और मैंने इससे किया तब भी आंसर यही आया। तो ये तुम्हारे ऊपर है तुमको किस तरह से करना है क्वेश्चन को। बेटा इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा ना, इस तरह से नहीं होगा। अब तुम्हारा कल टेस्ट है सपोज, तो उसके लिए थोड़ा ना है कि बीच वाली टॉपिक छोड़ दे। हम तो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से सारा बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना? तो धीरे धीरे बेसिक से हम चलते हुए चलेंगे, वो सब ठीक है बेटा, लेकिन एक बार तो सिस्टमेटिक चलना ही पड़ेगा ना। हाँ, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, वो तुम चैट पे डाल सकते हो मुझे। इंटीग्रेशन में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो चैट पे डाल दो, मैं तुम्हें उसके क्वेश्चंस के आंसर या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी डाउट होगा, वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर तो हमको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। चलो एक बार रुको, मैं देखता हूं पहले। हाँ, तो तुम लोगों को कोई डाउट हो इंटीग्रेशन में तो तुम पूछ सकते हो मुझसे। बाकी एक्चुअली क्या है बेटा, तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉग इन किए हुए हैं, वो भी इस चीज तुम्हारे साथ ही, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है तुम्हारा टेस्ट है तो उनका भी टेस्ट होगा, है ना? तो तुम्हें कोई डाउट है तो तुम डाउट मुझसे पर्सनली ऐसे चैट पे पूछ सकते हो। बाकी हम सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं तो इसी तरह से चलने दो, ठीक है? तो ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट है तो ये बता देना मुझे, ठीक है? तो इस तरह से एंगल्स जो आएंगे हम उनको इस तरह से फाइंड आउट करके निकालेंगे। ये याद रखना बस, वर्टिकल लाइन पे अगर कोई भी एंगल आता है तो वो एंगल कन्वर्ट होगा, साइन हो जाएगा कोस में, जो मैंने अभी लिखाए थे वो सभी छह, उन सब में आपस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल गया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है साइन पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर साइन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, या टू पाई प्लस थीटा, या थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। यहां पर एंगल दिया है 120 डिग्री, तो या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाई बाई टू के साथ या 180 के साथ, किसी के भी साथ हम कन्वर्ट करके इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अगर हम इसको देखेंगे तो? ये आएगा 90 से तो ज्यादा और 180 से कम। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री से तो ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी मैं 90 प्लस कुछ थीटा लिखूं तो वो 120 के बराबर आना चाहिए, या फिर
180 माइनस कोई थीटा लिखू तो वो 120 के बराबर आना चाहिए। तो देखो मैं किस तरह से दोनों तरह से करके बता दूंगा। 120 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, लिख सकता हूं इसको साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 हो गया। एक और तरीका है इसको लिखने का, इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60। अगर 180 में से मैं 60 डिग्री को भी माइनस करूंगा तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी मैं बता देता हूं करके तुमको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 90 प्लस 30, तो 120 को मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन 90 प्लस 30। वही प्रोसेस जो हमने किया अभी वही प्रोसेस करेंगे। 90 प्लस थीटा, 30 को थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 90 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन पर एंगल है, 90 मतलब वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा, ये तो पक्का पता चल गया हमको। तो सबसे पहले कन्वर्जन करके यहां पर लिख लेते हैं। कन्वर्जन करके मैंने लिख लिया कोस, कन्वर्जन करके मैंने यहां पर लिख लिया कोस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और ये हमारे पास साइन ही है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आता था हमारा, साइन कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा। तो थीटा क्या माना है, 30 डिग्री, तो यहां पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3/2। तो ये हमने किस तरह से किया, जब हमने 120 को लिखा 90 प्लस 30, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस 120 को हम लिखेंगे 180 माइनस 60। तो देखो लिखो, ये हो गया साइन 180 माइनस 60। आगे देखो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में, और 180 इसका मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल। 180 किस पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज होगा नहीं, साइन है तो साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा ऐसा का ऐसा आ गया। अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस 60 दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई,